गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वज़ीर-आला मुराद अली शाह और वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी की मज़ार कायद पर हाजिरी, फातह खानी और फूलों की चादर चढ़ाई। वज़ीर-आला सिंध कहते हैं कि पाकिस्तानी आवाम मुत्तहिद हैं और इंशाल्लाह जल्द कश्मीरियों को आज़ादी दिलवाएंगे। कोरोना वबा अभी खत्म नहीं हुई, आवाम एहतियाती तदाबीर जारी रखें। गवर्नर सिंध बोले, हम कोशिश कर रहे हैं कि विफाक और सिंध हुकूमत मिलकर कराची के मसाइल का हल निकाले। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। रह के अपने प्यारे वतन को इन मुश्किलात से, अपने प्यारे लोगों को इस वतन के इन मुश्किलात से निकालें। पाकिस्तानी अवाम की कोशिशों से मुल्क की इन मुश्किलात से, जो मुश्किलात मुल्क में हैं, उनसे निजात हासिल करेंगे और हमारा मुल्क इंशाल्लाह ताला तरक्की की तरफ गामजन होगा। बड़ी ह्यूमिलिटी के साथ कहता हूँ कि शायद हम अदालत उज़्मा को सही तरीके से बता नहीं सके, लेकिन उनके अहकाम बिल्कुल हम उन पर तामील करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ से हमें कोई मिर्च मसाले वाली खबर या उसका जवाब की तवक्को रखनी चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि वफाक और सूबा और लोकल गवर्नमेंट जो है वो मिलके कराची के मसलों का हल निकालें। हमें ज़रूरत है इत्तेहाद की, एक साथ मिलकर चलने की। वहाँ पर हम ज़रूर इत्तेहाद भी करेंगे, साथ मिलकर भी चलेंगे। इस दिन में वज़ीर आला से मेरी एक बड़ी जामे मीटिंग हुई है और हम इंशाल्लाह बहुत जल्द कोई ऐसा तरीक़ेकार निकाल लेंगे।